आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो जो खिच्चर की सवारी होती है या पालकी की सवारी होती है या गाड़ी की सवारी होती है, आप चढ़ाइयाँ करते हैं तो कितना चार्ज आपसे लिया जाता है दोस्तों। तो आप नीचे से स्वयं ऊपर जाने तक का पूरा एक खिच्चर बुक करते हैं, ये वाला जो बैठे हुए हैं, तो आपसे दोस्तों 300 रुपये से लेके 500 तलक के बीच में आपसे चार्ज लिया जाता है, वो भी आपके लिए अध कुंवारी तक छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से आपके लिए दूसरे भी वाहन मिल जाते हैं, खिच्चर मिल जाते हैं, और आपको पहले ही ये तय कर लेना है हमको लास्ट तलक जाना है भाई, अध कुंवारी को नहीं छोड़ना है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है तो जो उनसे कह देते हैं भाई जी अध कुंवारी है थोड़ा सा ही आगे आपको पैदल जाना है थोड़ा बहुत और पैदल भी चलिएगा, तो वही उतार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा चार्ज देना है तो पूरा ही सफ़र तय करना है दोस्तों। पालकी होती है, पालकी में ही इतना ही चार्ज होता है, लगभग 150 रुपये का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और बच्चों वाली गाड़ी होती है जो छोटी वाली जो बच्चे बैठ के जाते हैं, उसमें से 250-300-400 तलक का चार्ज ले लेते हैं बच्चे को छोड़ने का, तो आप इतना चार्ज दे सकते हैं। इससे ज़्यादा चार्ज मांगे तो आप चार्ज कम कीजिए दोस्तों। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके लिए नॉलेज भरी वीडियो मिलती रहती हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जाना पहचाना सोनू कुमार, यूपी शहर अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। यूपी शहर अलीगढ़ के आसपास के सभी मार्केट, स्थल धाम, ट्रेम्बल्स, सब कुछ हमारे चैनल पर आपके लिए देखने को मिलता है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे की ओर और यहाँ का नाइट का एक नज़ारा है जो आपको हम दिखाते हैं। हम रात के समय यहाँ से हम यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, रात के समय यात्रा करते हैं तो आपको भीड़ भाड़ कम मिलेगी और आपको कोई भी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है और गर्मी से भी बचोगे आप। दिन में आप सफ़र करते हैं दोस्तों, गर्मी पड़ती है, काफ़ी धूप हो जाती है तो सफ़र करने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो आप दिन में ना करें, कोशिश करें कि ज़्यादातर रात में ही आप सफ़र तय करें चढ़ाई वाला, तो आपकी थकावट कम होगी दोस्तों। ये देखिए पहाड़ों से नीचे की तरफ का नज़ारा जो हम अभी नीचे से आए हैं और ऊपर से देखने में ये इस तरह का लग रहा है दोस्तों। जी देखिए सारे घर दुकान मकान सब कुछ ऐसा दिखने में लग रहा है। आप इनमें से कोई सा भी वीडियो प्ले कीजिए, देखिए। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।